तो यहाँ से ले लिया ट्रेडिशनल वाला लोकल सब्जी, यहाँ से ले लिया अपने लोकल वाला ब्रिंजल बैगना जो भी है 3 किलो दे दीजिए। यहाँ से मिर्चा भी ले लेंगे। जो मौसम पूरा क्लियर हो चुका है और अपना जो शॉपिंग है वो रुकना नहीं चाहिए। ये रहा बनाना फ्लावर लिया मैंने, सब में 110 रुपया लिया। तो ये भैया का दुकान से आना लिया हमने 1 किलो और अंगूर 1 किलो। यहाँ का नज़ारा, पूर्वोत्तर का नज़ारा देखिए। इन दिनों इतना धूप दे रहा था, फिर भी नदी जो है बड़ा लग रहा है मेरा ख्याल से। और वहाँ पे देख अभी अपना फोटो शूटिंग भी हल्की से हो चुके हैं एंड वीडियोग्राफी भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अभी हम जाएंगे अपने घर के और सही गए। सभी को गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पर। तो आज का मौसम जो है थोड़ी बहुत क्या बोले और ना, ये देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं हवा मार रहा है पूरा। रात भर बारिश दे रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, 37 डिग्री सेल्सियस जा रहा था, तो इसीलिए शायद बारिश दे रहा होगा। अच्छा लगता है बारिश देने से। तो आज है फ्राइडे मार्केट, तो फ्राइडे मार्केट शॉपिंग करेंगे लोकल सब्जियाँ वगैरह। तो अभी हम दीदी और मैं जाएंगे और तब तक आप लोग कल का रात का क्लिप थोड़ा सा देख लीजिए। तो जो भी फल आया है जो कि संडे के लिए स्पेशली पूजा के लिए फ्रिज में रख दिए, अभी तक के रख देते। यहाँ पे देखिए सुबह सुबह सभी लोग जाग चुका है, दीदी भी जाग चुका है, वो रेडी हो रहा है। मम्मी को जो अभी भी सर्दी जुकाम है, पापा यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं, यहाँ पे सेरू। तो यहाँ से ले लिया ट्रेडिशनल वाला लोकल सब्जी, यहाँ से ले लिया अपने लोकल वाला ब्रिंजल बैगना जो भी है 3 किलो दे दीजिए। यहाँ से मिर्चा भी ले लेंगे। वाह गाइस, आज इतना बारिश दे रहा कि शॉपिंग करते करते रुकना पड़ा वहाँ पे दीदी। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। आम एप्पल कैसे दे रहा है? 250। अंगूर 250। अच्छा इधर देखिए आता ना, अभी आएगा। तो बारिश काफ़ी दे रहा है, ठंडा के चलते थोड़ा बहुत पान चबा रहा हूँ। तो शॉपिंग फिर भी रुकना नहीं चाहिए। ये अंकल का दुकान से करेला लेंगे और खीरा लेंगे। अबे दीदी जी, अच्छा अंकल पॉलिथीन डाल दीजिए और कमती कीजिए। फटाफट से शॉपिंग कर लेते हैं फिर चले जाते हैं हम अपने घर। आलू नहीं चाहिए। अभी कॉल किया घर पे दादाजी को, मतलब कि जहाँ पे हमेशा जाता हूँ उन लोग का पास है, तो नहीं चाहिए। लहसुन ले रहे दीदी। शॉपिंग रुकना नहीं चाहिए बोले ना, अभी थोड़ा बारिश रुका है, अच्छा लग रहा है। अभी देखिए पूरा लोग काफ़ी भीड़ है आज। यहाँ पे सीम जो है हम 25 रुपया प्रति किलो ले रहे हैं। अब जो मौसम पूरा क्लियर हो चुका है और अपना जो शॉपिंग है वो रुकना नहीं चाहिए। ये रहा बनाना फ्लावर लिया मैंने, सब में 110 रुपया लिया। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम निकल जाएंगे। तो अभी जो है मुझे लगता है कि अपना जो शॉपिंग है वो ऑलमोस्ट 100% हो चुके हैं। पता नहीं अब कुछ रह गया क्या, कॉल करना पड़ेगा घर पे। ये रहा पूरा फुल हो चुके हैं दीदी, पता नहीं कहाँ चला गया। अभी हम चलते हैं घर के। ये रहा चले। तो ये भैया का दुकान से आना लिया हमने 1 किलो और अंगूर 1 किलो। थैंक यू भैया थोड़ा कम करने के लिए। तो अभी हम घर जा रहे थे और थोड़ी देर के बाद शायद बारिश भी आएगा, तो जल्दी निकलना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ से हमने प्लास्टिक का वो बाल्टी ले लिया क्योंकि घर के लिए चाहिए होगा सब्जी वगैरह कुछ भी, पानी हाथ धोने के लिए लोगों को। ऐसे घर पे 10 15 तो है लेकिन और कमती पड़ जाएगा शायद, काफ़ी लोग आएंगे। तो गाइस अभी पहुंच चुके घर पे एंड इतना बारिश दिया ना आते समय पूरा गीला हो चुका है, पेन से लेकर टी शर्ट जैकेट तक ये रहे सामान सब हम लोग के अभी सब। तो अभी थोड़ी एक बात आगे का कार्यक्रम देखते हैं, पूजा का सामान कलेक्टिंग करना होगा और फिर मुझे बाद में जो आलूबारी दीघाड़ से जो फीस भी देखना होगा मच्छी वगैरह लोग। एंड अगर शनिवार हम लोग का संडे को पूजा है तो कल जो है मुझे महादेवपुर शायद जानना होगा पौर का मिक देखने के लिए। तो आज ला सकता था लेकिन बीच में जो है अपने 2 दिन रहे तो फ्रिज में रखने से भी जो है नरम हो जाती है, तो इसीलिए आज नहीं लाया। तो अभी जो है ये सब जो है बहुत ज़्यादा दार है, तो टाइल्स बेचाने के लिए जो है अंकल गेंदा से थोड़ा बहुत फिनिशिंग कर रहे हैं, पापा का जिगरी दोस्त। पूजा का दिन जो है टाइल्स बेचेंगे इसीलिए। तो अपना सब्जियां जो भी है खुले हवा में रख दिए क्योंकि सड़ना नहीं चाहिए, एकदम ताज़ा हवा आ रही है इस तरफ से, यहाँ पे रख दिए सब कुछ। एंड जितने भी और थे जो कि बहुत ज़्यादा सड़ने का जो चांसेस रहता है वो फ्रिज में रख दिए।
जैसे कि आपने टमाटर हो गए, क्योंकि ये जो बहुत जल्दी जो है सड़ने का चांसेस रहता है, और आपने कीड़े हो गए सब कुछ, आपने फल वगैरह भी। अभी मैं आया दीदी के घर पर, यहाँ पे देखिए साइना होमवर्क कर रहे, क्या लिख रहे एक बार पढ़ा के सुना दे ऑडियंस को, क्या है वो, क्या लिख रहे हो? झूला। ठीक बा, यहाँ पे अपना जैसिंदा जो है सो रहा है शायद धीरे धीरे, वाह पूरा आराम से सो रहे भाई। तो गाइस दीदी का घर आया था, एंड आते जो है मैं जो हल्के से जो चटनी से ब्रेकफास्ट करूँगा, दीदी तो ऑलरेडी कर रहे हैं, एंड इसके बाद जो है शायद बाद में जो मुझे अलवरी भी जाना होगा मच्छी लोग को जो है कन्फर्म करने के लिए, क्योंकि कभी कभी जो ऐसा भी होता है कि बारिश का समय में मछुआरा लोग नहीं जाता है, तो अगर ऑर्डर देने से स्पेशली मिल जाता है। तो गाइस अभी हो चुका है इवनिंग वॉक, एंड अभी मैं जाऊंगा अलवरी की और जो है मच्छी जो है मतलब ऑर्डर देने के लिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मच्छी नहीं मिलता और ऑर्डर देने से तो कंफर्म हो जाती है। यहाँ पे देखिए सभी लोग जो है गर्मी की वजह से ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे उतना आज खास उतना गर्मी नहीं है, शायद 25-30 डिग्री है, तो उतना खास गर्मी नहीं लग रहा, फिर भी ठंडा का ठुलना का वजह से तो थोड़ा बहुत गर्मी तो महसूस होगा गर्मी दिन। अभी हम चलेंगे फिलहाल, और मेरे साथ टिंग भी जाएगा, बोला अपना एक दोस्त है। तो अभी पहुंच चुके थे दीदी के घर पे, मैंने जो अपना सनग्लास ले लिया, और ये रहा मैंने जिसका जिक्र किया टिंग जी, हेलो हेलो। सो अभी हम चलते हैं अपना डेस्टिनेशन की ओर। तो काफ़ी गर्मी है, सुबह से बारिश दिया था परंतु शाम का पर में काफ़ी गर्मी हो चुका है। तो अभी पहुंच चुके थे गुना नगर पे, एंड यहाँ पे जो है इनका जो है चांदी ना क्या बोलता है वो टूट चुका है एक चेन है, तो उसको जॉइन करवाने भैया का दुकान से, उसके बाद हम अपना डेस्टिनेशन की ओर मूव करेंगे। तो आ चुके हैं अभी सुपर मार्केट, एंड यहाँ पे जो है इस दुकान से जो है चूल करवा लेता हूँ, थोड़ा बहुत साइड का लंबा हो चुका है। भैया का दुकान से थोड़ा इंतज़ार करो, हाँ लो मोबाइल। तो आप जो है मेरा हेयर कट भी बेहतर से कट करके हो चुका है, अभी हम जाएंगे अपना डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन बहुत बार बोल चुका आप लोगों को बोरिंग लगा तो सॉरी। अभी जो है हम लोग मच्छी देखने जाएंगे, उधर देखने जाएंगे, और इसके बाद फिर कल दोबारा हमें अलवरी जाना होगा। तो गाइस पहुंच चुके हैं अभी हम अलवरी घाट, एंड यहाँ का नज़ारा अलवरी ब्रिज का इन्हें जो दिखा रहा है, हेलो इन्हें दिखा रहा है, क्योंकि दायन पे जो है इन्हें देखने का ऐसा नहीं मिलता ना, ऐसा देखने मिला कभी नहीं ना। हाँ तो इंजॉय करो, और मैं भी आप लोग का सनसेट का इंजॉय दिलाता वीडियो के थ्रू, मैं तो इंजॉय कर ही रहा हूँ। एक गाना हो जाना चकमा गाना, बिल्ली वाला दी जो नया मी गप मत गोय से संगे परब बो। यहाँ का नज़ारा पूर्वोत्तर का नज़ारा देखिए, इन दिनों इतना धूप दे रहा था फिर भी नदी जो है बड़ा लग रहा है मेरा ख्याल से, और वहाँ पे देखिए एक बार मोबाइल एकदम गिरा दे तो ख़त्म जिंदगी है कि नहीं। तो अभी अपना फोटो शूटिंग भी हल्के से हो चुके हैं, एंड वीडियोग्राफी भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो अभी हम जाएंगे अपने घर की ओर। अरे हम जिस काम के लिए आए थे मच्छी जो है काली मिलेगा मुझे, 2 बजे को ऐसे का रुकना होगा, और मुझे कॉन्टैक्ट ऐसे नंबर तो ऑलरेडी है मेरे पास, लेकिन दूसरे का कॉन्टैक्ट नहीं मिला, तो इसीलिए जो मुझे कल जल्दी आ जाना का, क्योंकि कंपाउंड नहीं है मच्छी इन दिनों जो है भी नहीं बोल रहे ऐसे भी। तो अभी हम दिगारों से जो है अपना गाँव में आ चुका है, गाँव पे जो है 3 नंबर पे बाबी का साथ जो है बाबी का कुछ काम है, तो यहाँ पे आइए कुछ सामान लेने। ये लोग जो है कल सैटरडे में जो है ये लोग का महादेवपुर बाजार में जाता है, तो इसीलिए जो है 13 रोज लेने आए। ये रहा अपना बाबा जी, बाबा जी ने मुझे बुला के लेके आया, ये रहा 13 रोज। तो 13 रोज का जो सब्जी है काफ़ी बेहतर है खाने के लिए, जो कि मेरा पूरा फेवरेट है भाई, विदाउट 13 रोज तो मेरा जिंदगी अधूरा रह जाएगी शायद फ्यूचर तक। और गाइस फाइनली आप जाके घर पहुँचा, एंड अपना जो काम है वो ऑलमोस्ट समाप्त ही क्या हो चुका है। मास जो फिश का वो जो व्यापारी था उससे भी कंफर्म हो चुका है, कल जो है 4 बजे तक ये लोग ला देगा 7-8 किलो तक। तो गाइस इस वीडियो का करते याद है, होप कि आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा, अगर पसंद किया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके पूछिए कैसा लगा, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के थ्रू अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग संडे को जरूर मेरा घर पर आ जाएगा अपना ट्रेडिशनल पूजा में।